ये क्या मजमा लगा रखा है? सारे स्टूडेंट्स क्यों जमा है यहाँ? सर, आपने सर्कुलर क्यों निकाला कि लड़के फ्रेशर्स पार्टी नहीं मना सकते? सर्कुलर निकालना हमारी परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन हमारे इस इंस्टीट्यूट के तीन स्तंभ हैं। मगर सर, बीच में मत बोलो अमन, ओरिजिनल की आत्मा का ख्याल रखो। ओरिजिनल की आत्मा? मोहब्बतें में बीच में कोई नहीं बोलता। ओ, वैसे भी मुझे फ्रेशर्स पार्टी मनाने की कोई तुक समझ में नहीं आती। फ्रेशर्स पार्टी में नए और पुराने स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनमें दोस्ती बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, स्टूडेंट्स में एकता बढ़ती है, और एकता की हमारे देश को सख्त जरूरत है। इनमें से एकता कौन है? मैं देश की एकता की बात कर रहा हूं सर। ओ, देश की एकता? हाँ सर। और जानते हैं सर, स्टूडेंट्स ने आज की पार्टी की थीम क्या सोची थी? क्या? एडम और ईव की। बड़ी वाहिया थीम है। आप ही की दी हुई थीम है सर। मेरी? यस सर। जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो आपने अपने एक लेक्चर में कहा था कि फैशन की शुरुआत एडम और ईव से हुई थी। मैं आपके उसी लेक्चर से इंस्पायर हुआ हूँ सर। अगर मेरे लेक्चर से इंस्पायर होकर सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, क्योंकि मैं कभी गलत सोच नहीं सकता। मिस्टर आर्यन, आप मेरे बताए हुए थीम पर फ्रेशर्स पार्टी मना सकते हैं। थैंक यू सर। सर, आपने तो कमाल कर दिया, मिस्टर नारा शंकर को राजी कर लिया। लेकिन एक बात बताइए, ये एडम एंड ईव की थीम सचमुच उन्हीं की थी? बिल्कुल नहीं अमन, मैंने उन्हें क्रेडिट देकर अपनी बात मनवा ली। सर, योर जीनियस, आई एम द बेस्ट। मिस्टर आयरन, आप सुबह सुबह मेरे घर के आसपास क्यों मंडरा रहे थे? मैं ये देखने गया था कि आप सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, लेकिन आप तो घर से बाहर निकले ही नहीं। वो तो मेरी आंखों में एलर्जी हो गई है, डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सूर्य को घूरने के लिए मना किया है। लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ मिस्टर आयरन। क्यों सर? मैंने मना किया था आपको फ्रेशर्स पार्टी मनाने के लिए, लेकिन नहीं माने आप। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मोहब्बत अपना बोरिया बिस्तरा लेकर इस इंस्टीट्यूट की चार दीवारी में दाखिल हो गई है। यस सर, मुझे भी इंस्टीट्यूट की फजाओं में मोहब्बत के पत्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। अपने चश्मे का नंबर चेक करवाओ मिस्टर आयरन, ये पत्ते तो हम हर पीरियड के बाद स्पेशल इफेक्ट से उड़वाते हैं। स्पेशल इफेक्ट से ही सही, पर हैं तो मोहब्बत के पत्ते ही। आपने अपनी बेटी की शादी एक अमीर एनआरआई से कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहब्बत हमेशा के लिए इंस्टीट्यूट को छोड़कर विदेश चली गई। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती सर। आपकी मोहब्बत झूठी थी मिस्टर आयरन। अगर मोहब्बत सच्ची होती, मेरी बेटी एनआरआई से शादी करने के बजाय छज्जे से कूद के जान दे देती। वो छज्जे से कूद कर जान दे भी सकती थी सर, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि आपके घर में छज्जा नहीं था। पड़ोसियों की छत तो थी। वो अपनी जान इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि हमारी मोहब्बत फिल्मी नहीं थी। वो जिंदा रहकर समाने को दिखाना चाहती थी कि हमारी मोहब्बत सच्ची है। चलो हमें क्या, मुझे तो इस बात की खुशी है कि ये लड़की मोहब्बत पसंद नहीं करती। आपने मुझे बुलाया सर? अमन, एशा तुम्हें असिस्ट नहीं करेगी। क्यों सर? क्योंकि वो किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है। सर, मगर लिस्ट में तो उसके साथ मेरा नाम है सर। वो तो कंप्यूटर की मिस्टेक थी, हमने कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए भिजवा दिया है। सर, मगर मैंने उससे बात की है, उसे कोई इतराज नहीं है सर। उसे इतराज है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मोहब्बत के लिए इस इंस्टीट्यूट में कोई जगह नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा। सर, आप उसे एक बार बात तो। अमन, तुम्हारा मुहावरों का ज्ञान कैसा है? क्यों सर? रास्ता नापने का मतलब समझते हो? नहीं सर। रास्ता नापने का मतलब होता है कि अब तुम जा सकते हो। जी सर। मोहब्बत कभी नहीं हारती अमन। मगर डायरेक्टर साहब ने बगैर बात मेरे रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। आई डोंट लाइक इट सर। उन्होंने क्या कहा अमन? ईशा किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है।
ईशा किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है अमन। सर योर जीनियस, आई एम द बेस्ट। महाराज यार, अमन आजकल किसी लड़की की वजह से खासा परेशान नजर आ रहा है। बाय एनी चांस तुम जानते हो लड़की कौन है? ओ आइए मिस्टर आयरन, आपको खबर मिली गई होगी कि मोहब्बत हवालात की हवा खा चुकी है और ईशा मेरे बताए हुए दर्शों पर चल रही है। जी जी, क्या अब यहां मोहब्बत के पत्ते नहीं उड़ने वाले? अपनी वायलेंस मेटिए और गांव जाके भैंसों को सिखाइए। सर मैं आपको एक चैलेंज देने आया हूँ। मुझे क्या चैलेंज दोगे? मैं तो वायलिन सीखना नहीं चाहता। सर मैं वायलिन का नहीं, मोहब्बत का चैलेंज देने आया हूँ। कोई नई चैलेंज ट्रॉफी है? नहीं सर, मिस्टर टीसीपुरी इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे बड़ा बेहुदा त्योहार है, हमारी परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन के खिलाफ है। सर आप सूरज से आंखें मिला सकते हैं पर मोहब्बत से आंखें मिलाने से डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मोहब्बत टाइप चीजें मेरे आगे थर थर कांपती हैं। तो फिर छोड़ दीजिए मोहब्बत के लिए दरवाजा खुला। अगर फिर भी मोहब्बत आपके खौफ से दाखिल ना हो तो हम आपका रुतबा मान जाएंगे। मुझे ये चैलेंज पसंद है, मिस्टर पुरी से कहिए कि वो ये पार्टी दे सकते हैं। थैंक यू सर। मैं ये जानता हूं कि आप लोग ये जानने को कितने उत्सुक हैं कि आज वैलेंटाइन डे नहीं होते हुए भी वैलेंटाइन डे पार्टी किसने और क्यों दी। मिस्टर पुरी, क्या आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि इस पार्टी के पीछे क्या मिस्ट्री है? थैंक यू वेरी मच। वेल फ्रेंड्स, इस पार्टी के पीछे कोई मिस्ट्री नहीं बल्कि दिल की केमिस्ट्री है। दुनिया के हर मजहब हर मसीहे का बस एक ही संदेश है कि प्रेम का दिन हर रोज नहीं बल्कि हर पल मनाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम प्रेम की बातें करें, दिल की बातें करें। लेकिन आपने कार्ड पर अपना नाम क्यों नहीं दिया? तुम्हारे डर से। क्योंकि मुझे जिंदगी से प्रेम है, अपने नाम से नहीं। तालियां। पुरी साहब ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि प्रेम का दिन हर रोज नहीं बल्कि हर पल मनाना चाहिए। काश ये बात हमारे लीडर लोग समझ सकते हैं। आपने मुझे बुलाया सर? बैठिए, केक खाइए। किस खुशी में सर? अपनी हार की खुशी में। आज आपकी हार की एनिवर्सरी है, यानी कि मेरी बेटी की शादी की सालगिरह। हैं? अरे बड़े बेशर्म आदमी हो, अपनी हार सेलिब्रेट कर रहे हो? हार नहीं जीत सर, केक निधा को बहुत पसंद था। हम जब भी मिलते थे वो दो चार केक खा जाया करती थी। अपनी शादी के दिन उसने मुझसे वादा लिया था, राज तुम केक खाना मत छोड़ना, ये केक हमारी मोहब्बत की निशानी है सर। अरे आपकी मोहब्बत की कितनी निशानियां हैं? केक, पत्ते, हवाएं, फिजाएं, परेशान कर दिया। सही कह रहे हैं आप, ये केक मैं खा रहा हूं। हवाएं चलने लगी हैं, पत्ते उड़ने लगे हैं। ओह माय गॉड, दिल में मोहब्बत की आरज़ू लिए ईशा के कदम कैंटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आ रही है, वो आ रही है। क्यों मिस्टर आयरन, अपनी हार के डर से अभी से मुंह छिपा लिया? मैं
अपना मुंह नहीं छिपा रहा हूं सर, मोहब्बतें का एक पत्ता आकर मुझे चूम गया। इमोशनल हो रहे हैं सर। नहीं नहीं, लता आंख में मच्छर चला गया। देखा सर, मोहब्बत की जीत हो रही है। आपकी परंपरा और आपके अनुशासन का क्या होगा? भाड़ में गया अनुशासन, मोहब्बत की जीत ही होनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं? देखो मिस्टर आयरन, हम यहाँ फैशन बढ़ाते हैं और जो मोहब्बत होती है बड़ी फैशनेबल चीज होती है। It should be part of our syllabus. और आपके आदर्श? कौन से आदर्श? ये को गुरुकुल है जो हम आदर्शों से फजूल टक्कर लेते रहे। You are a genius. Yes, I'm the best.